फर्जी दुल्हन, यानी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी से शादी करना और काम पूरा होते ही फरार होने वाली खबरें अक्सर सुनी होगी और ये नाटक फिल्मों में ज्यादातर दिखाया जाता है। मगर आज एक पूर्व विधायक का कारनामा आपको जानना चाहिए, एक फिल्मों से मिलती जुलती रियल स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, जहां एक पूर्व एमएलए पर अपने साथियों के साथ मिलकर ऐसी साजिश रचने का आरोप है, जहां 8 करोड़ की जमीन के लिए न केवल फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए बल्कि फर्जी शादी तक भी करवाई गई और फिर शख्स की कथित हत्या भी करवा दी गई। पूर्व विधायक पवन पांडे को इस मामले में यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को ही गिरफ्तार किया। दरअसल पूरा मामला यूपी के अम्बेडकर नगर का है, जो लगभग 3 साल पुराना बताया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर 2020 में नासिरपुर के रहने वाले अजय सिंह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि ठीक 2 घंटे पहले ही मृतक की शादी हुई थी। अजय की शादी नीतू सिंह से हुई थी। अजय सिंह की माँ चंपा देवी की तरफ से दर्ज FIR में कई हैरान करने वाली बातें लिखी गई है। FIR के मुताबिक पीड़िता के बेटे अजय सिंह से बाराबंकी की सफेदाबाद आर्य समाज मंदिर में शादी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया गया और फिर 2 घंटे के अंदर ही अजय सिंह का संदिग्ध स्थितियों में एक्सीडेंट करवा दिया गया, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हालांकि अब पवन कुमार गिरफ्तार है और इसको लेकर अम्बेडकर नगर के SSP ने क्या कुछ कहा है, पहले वो बाइट सुनिए, फिर उसके बाद आपको पूरी कहानी समझाते हैं। SP अम्बेडकर नगर कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 319/22, धारा 419-20, 467, 68, 471 एवं अन्य IPC की धाराओं में अभियोग पंजीकृत था, जिसमें पूर्व विधायक पवन पांडे वांछित अभियुक्त थे। आज UP STF द्वारा इनको गिरफ्तार करके अकबरपुर कोतवाली में दाखिला कराया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जिला जेल अंबेडकर नगर में इनका दाखिला कराया गया है, बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब यहां से शुरू होता है कहानी में ट्विस्ट। अब तक जितना भी घटनाक्रम हुआ वो एक पूर्व विधायक द्वारा रची गई थी। 5 जून 2022 अंबेडकर नगर की अकबरपुर कोतवाली थाने में चंपा देवी, यानी जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी मां ने शिवसेना के पूर्व विधायक पवन पांडे, मुकेश तिवारी, गोविंद यादव के साथ ही कुल 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी रचने की नामजद FIR दर्ज करवाई। FIR में जो भी आरोप लगे वो गंभीर और हैरान करने वाले हैं। आरोप लगाया गया कि अकबरपुर बसखारी नेशनल हाईवे पर स्थित उनकी 8 करोड़ की कीमती जमीन को हथियाने के लिए पवन पांडे और उनके साथियों ने मिलकर पीड़िता के बेटे यानी अजय सिंह, जिसका एक्सीडेंट करवाया गया, उसकी पत्नी के रूप में नीतू सिंह का नाम दर्ज कराया और जिसमें बाराबंकी से बनवाए गए आर्य समाज मंदिर के फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया था। अब आगे की स्टोरी और भी खतरनाक है। FIR में आगे जो लिखा है उससे इस पूरे प्रकरण की एक एक परत खुल जाएगी। दरअसल अगस्त 2020 को पीड़िता के बेटे को नशे का आदी बनाकर पवन पांडे ने उसकी कीमती जमीन 20 लाख रुपए में अपने करीबी मुकेश तिवारी के नाम लिखवा दी, यानी इस काम को करने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर चला गया। मृतक को पहले नशे का लत लगाया जाता है। आपको पता होगा कि नशे में व्यक्ति कितने होश में होता है, ये जानना उतना ही आसान है जितना कि वोट देकर जिताने के बाद मंत्री की संपत्ति जानना। पवन पांडे ने अम्बेडकर नगर पालिका के सर्वे अफसर को घूस देकर अपनी टीम का हिस्सा बनाया और फिर आजमगढ़ की रहने वाली नीतू सिंह नाम की एक युवती के साथ मिलकर मृतक की शादी का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करवाया। नीतू सिंह का नाम परिवार के रजिस्टर में दर्ज करवाने के लिए भी अर्जी दे डाली। 2 घंटे बाद ही एक्सीडेंट करवाकर पूरी जमीन हड़पने का काम शुरू हो गया। हालांकि अम्बेडकर नगर की अकबरपुर में दर्ज केस की जांच हाईकोर्ट के आदेश पर UP STF ने शुरू की थी और इसके बाद UP STF ने पवन पांडे को गिरफ्तार किया। इधर अभी भी मृतक की मां पुलिस को अंदेशा जता रही है कि उनकी बेटी और दामाद को खतरा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी की अपडेट्स आपको लगातार इसको लेकर मिलती रहेंगी सिर्फ वन इंडिया हिंदी पर।